कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए बाजारों में मास्क और सैनिटाइजर की मांग भी लगातार बढ़ रही है, जिससे मास्क और सैनिटाइजर के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वहीं बाजारों से N95 मास्क को बाजारों से प्रतिबंधित किए जाने की मांग को लेकर SPPGI रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। SGPGI रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आकाश माथुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में N95 मास्क की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। साथ ही N95 मास्क के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन SGPGI ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर N95 मास्क को बाजारों से बैन करने की मांग की है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टटर आकाश माथुर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मांग की गई है आप लोगों के द्वारा? देखिए, कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के ये मांग की है कि बाजार में प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर N95 मास्क की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके पीछे मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि अस्पताल पहले ही इन मास्क की कमी से जूझ रहे हैं। WHO हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया की, सभी की मार्गदर्शिका गाइडलाइन में कहीं ये जिक्र नहीं है कि आमजन द्वारा N95 मास्क यूज किए जाने का कोई फायदा है। ऐसे में अस्पताल जो कि इसकी किल्लत से जूझ रहे हैं, तथा डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ तथा अन्य कर्मचारी जिनको इसकी आवश्यकता ज्यादा है, उनके लिए मास्क आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमने ऐसी मांग की है। इसका दूसरा पहलू यह है कि यह मास्क लगा के कहीं ना कहीं आमजन जो है उनमें भी एक आश्वस्त रहने का छद्म भाव पैदा होता है, एक सूडो सेंस ऑफ रीअश्योरेंस आता है कि ये मास्क लगा लेने के बाद वह सुरक्षित हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तथा जो अन्य पहलू हैं जिन पे ज्यादा ध्यान दिया जाने की जरूरत है, जैसा कि हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बार बार अपने हाथों को मुंह पे ना लगाना, कहीं ना कहीं इन पहलुओं से उनका ध्यान भटकता है। तो इसलिए हमारी मांग दोनों के लिए ही फायदेमंद है, एक तो मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में मास्क उपलब्ध हो सके, तथा जनता में भी एक छद्म आश्वासन का भाव ना पैदा हो। सर, इसी के साथ जो आम लोग ऐसे मास्क लगाते हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे, वो लोग कौन से मास्क यूज करें? देखिए, इसमें जैसा कि मैंने कहा, सबसे बेहतर तो सोशल डिस्टेंसिंग है, अपने घरों में रहें, बार बार हाथ धोते रहें साबुन से। लेकिन फिर भी जो लोग मास्क यूज कर रहे हैं, इसमें मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई है कि भाई आप कपड़े से बने हुए रीयूजेबल मास्क जिनको आप धो के वापस इस्तेमाल कर सकें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि जो अन्य तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, इस पर मैं बार बार स्ट्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है और वही आपको सुरक्षित रखने का रामबाण तरीका है, इसलिए बनाएगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन SGPGI के अध्यक्ष डॉक्टर आकाश माथुर, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर N95 मास्क को बाजारों से बैन किए जाने की मांग की गई है। जय कृष्णा के न्यूज।